दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस का साथ देगा लेफ्ट, बोले बिमान बोस। धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने को बीजेपी टीएमसी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव होने में बेहद कम समय रह गया है। इस बीच राज्य में सभी पार्टियां और नेता अपने समीकरण बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं। इसी के तहत लेफ्ट पार्टियों ने अब कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के अध्यक्ष बिमान बोस ने कहा है कि बंगाल को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की भी धार्मिक ध्रुवीकरण से बचाने के लिए हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि इसे लेकर हमारे और कांग्रेस के बीच कोई भ्रम नहीं है। बिमान बोस ने आगे कहा कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल से ही सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दोनों पार्टियों कांग्रेस और लेफ्ट ने नैतिकता के तौर पर मान लिया है कि एकजुट होकर चुनावी जंग छेड़नी है। हम मंगलवार सारे राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। सीट बंटवारे का मुद्दा अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है। दोनों पार्टियों को एहसास है कि हम एक साथ लड़ना है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों में पहले भी बैठक हुई है, हालांकि अब तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। पिछले हफ्ते ही वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फरवरी या मार्च में कोलकाता में संयुक्त रूप से एक विशाल रैली का आयोजन करने की बात कही थी। कांग्रेस के बैठक के बाद तब बोस ने कहा कि सभी दलों ने संयुक्त रूप से ब्रिगेड परेड ग्राउंड में फरवरी या मार्च में एक महारैली करने का फैसला किया है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल चुनाव में उतरेगी शिवसेना, संजय राउत का ऐलान, कहा बीजेपी को हो सकती है मुश्किल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। कभी उसकी साथी रही शिवसेना ने ऐलान किया है कि वह भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। बताया जाता है कि ममता बनर्जी और शरद पवार भी लगातार संपर्क में हैं। पवार चाह रहे हैं कि सभी विपक्षी दल एक होकर लड़े ताकि भाजपा को कड़ी हार दी जा सके। हालांकि वामपंथियां पार्टियों ने साफ किया है कि वे कांग्रेस के साथ लड़ेंगी। यह खबर भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने रविवार को कहा कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा लड़ने का निर्णय किया है। राउत ने कहा कि चुनाव लड़ने का यह निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करने के बाद किया गया। राउत ने ट्वीट किया कि एक बहुप्रतीक्षित जानकारी है, पार्टी प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। जय हिंद जय बंगला। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही बॉलीवुड से। जी आपको बता दें कि एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ दर्ज हुआ केस, जानिए क्या है आरोप। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर पर एक शख्स को थप्पड़ मारने और गाली देने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया है। शख्स ने दावा किया है कि कार में टक्कर लगने के बाद अभिनेता महेश मांजरेकर ने हाथापाई शुरू की, जिसके बाद महेश मांजरेकर के खिलाफ इस शख्स ने पुणे के यवत पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना 15 जनवरी की है। बताया जा रहा है कि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना 15 फरवरी रात करीब 10:30 बजे की है, जब पुणे सोलापुर हाईवे पर महेश मांजरेकर की कार को एक अन्य कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद महेश मांजरेकर गाड़ी से नीचे उतरकर सामने वाले शख्स के साथ गुस्से में बात करने लगे। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई पर चली गई। शख्स ने अभिनेता पर गाली देने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मांजरेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाले शख्स का नाम है कैलाश सातपुते हैं। उनका कहना है कि महेश मांजरेकर की गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई थी। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर।
और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है आपको, उधर के शपथ ग्रहण को लेकर वाशिंगटन बुलाए गए हजारों सैनिक, जाने कौन से बड़े फैसले लेंगे नए राष्ट्रपति बाइडेन। जी हम बात करेंगे अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन कार्यों की सूची तैयार कर ली है जिसे वे शपथ वाले दिन ही पूरा करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 20 जनवरी को शपथ लेने के तुरंत बाद बाइडेन देश के सामने मौजूद 4 चुनौतियों कोरोना संकट, आर्थिक संकट, पर्यावरण संबंधी समस्याएं और नस्ली असमानता से निपटने के लिए करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करेंगे। ये भी माना जा रहा है कि वे अपने कार्यकाल के पहले दिन 1.1 करोड़ आप्रवासियों को नागरिकता देने का भी ऐलान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के नवनियुक्त चीफ ऑफ स्टाफ रोन क्लीन ने आगामी व्हाइट हाउस वरिष्ठ कर्मियों को शनिवार को दिए गए एक विज्ञापन में कहा, नव निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन ऐसे समय में कार्यकाल संभाल रहे हैं जब देश गंभीर संकट से जूझ रहा है। हमारे सामने 4 बड़े संकट है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ये संकट है कोरोना और इसके चलते पैदा हुआ आर्थिक संकट, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और नस्ली असमानता के अभाव से जुड़ा संकट है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि तांडव पर घमासान जारी, आईटी मंत्रालय ने अमेज़न प्राइम वीडियो के अधिकारी को किया तलब। जी हम बात कर रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में अमेज़न प्राइम वीडियो के अधिकारियों को वेब सीरीज तांडव को लेकर जारी विवाद के मामले पर तलब किया है। प्राइम वीडियो पर हाल ही में जारी हुई वेब सीरीज तांडव पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। इस संबंध में भाजपा सांसद ने इस सीरीज को बैन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। आपको बता दें भाजपा सांसद मनोज कोटक ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने को लेकर अमेज़न प्राइम वीडियो की सीरीज तांडव पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से प्रतिबंध लगाने का रविवार को अनुरोध किया। वेब सीरीज तांडव में अभिनेता सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिनो मौर्या, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान, अयूब गौर खान, कृतिका कामरा ने अभिनय किया है। इसका प्रीमियर शुक्रवार को किया गया। फिल्मकार अली अब्बास जफर राजनीति पर आधारित ड्रामे के निर्माता एवं निर्देशक हैं। इसे गौरव सोलंकी ने लिखा है जो आर्टिकल 15 को लेकर जाने जाते हैं। और दोस्तों मैं अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से। जी आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, कहा हमारे कुछ इलाकों पर कर्नाटक का कब्जा महाराष्ट्र में करेंगे शामिल। जी हां आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच अपने क्षेत्र की जमीनों को लेकर एक बार फिर से सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर दावा ठोका है। रविवार को सीएम ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कर्नाटक राज्य में उन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मराठी भाषी लोग बहुमत हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से इस संबंध में ट्वीट कर कहा गया है कि इस उद्देश्य के लिए 1956 में अपना बलिदान देने वालों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि राज्य भाषाई आधार पर महाराष्ट्र बेलगाम अन्य सीमावर्ती इलाकों पर दावा जताता है जो पूर्ववर्ती बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। इसी संबंध में इन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहे क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने रविवार यानी 17 जनवरी को उन लोगों की याद में शहीद दिवस मनाया जिन्होंने इस अभियान के लिए लड़ते हुए 1956 में अपनी जान गंवा दी थी। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जिसमें आपको बता दें कि सचिन पायलट को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, एआईसीसी का महासचिव बनाने जाने की अटकलें तेज। जी आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद संगठन में फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है। इससे राजस्थान के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई बड़ा पद मिल सकता है। हाल ही में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट के बीच हुई मुलाकात के बीच अटकलें तेज हो गई हैं कि सचिन पायलट को एआईसीसी का महासचिव बनाया जा सकता है। राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही अटकलों की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में प्रभारी महासचिव बना सकती है। बता दें कि राजस्थान में बगावत के बाद से ही ये तय हो गया था कि सचिन पायलट को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी तरह से कोई बयान नहीं आया है। इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव के लिए अधिवेशन बुलाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि अधिवेशन के बाद ही नए संगठन का विस्तार होगा। संगठन विस्तार में सचिन पायलट का नाम का ऐलान किया जाएगा।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह का दावा, कहा यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की प्रमुख पार्टियां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में दो एआईएमआईएम चुनाव लड़ेंगी, एक एआईएमआईएम योगी और एक एआईएमआईएम ओवैसी के नेतृत्व में। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जो कि टीआरपी घोटाले को लेकर है। जी आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का दावा, अर्णव गोस्वामी ने बार्क सीईओ को दी थी घूस, पीएमओ और राजवर्धन राठौर भी सवालों के घेरे में। जी आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले के केस में 11 जनवरी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी और बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। आपको बता दें चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में अर्णव गोस्वामी ने कई मौके पर दास गुप्ता की तरफ से राजनीतिक नेतृत्व से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है। दोनों के बीच हुई चैट में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से लेकर सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक का नाम लिया गया है। दोनों के बीच बातचीत का डेटा ऑनलाइन भी लीक किया गया है। इसमें जुलाई 2017 की एक चैट से दास गुप्ता ने अर्णव को टीआरपी का डेटा तक भेजा है। पुलिस का आरोप है कि अर्णव ने रिपब्लिक टीवी के दो चैनलों को सबसे ज्यादा टीआरपी के साथ दिखाने के लिए दास गुप्ता को पैसे भी दिए थे। मुंबई पुलिस ने इसे साबित करने के लिए सबूत होने की बात कही। हालांकि इससे जुड़ी चैट उसने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल नहीं की है। बता दें कि बार्क के टीआरपी की गणना के आधार पर ही टीवी चैनलों को मिलने वाले एडवर्टीजमेंट के रेट तय होते हैं। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम और रात के समय घना कोहरा छाया रहता है। दिल्ली का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पश्चिम राजस्थान के चुरू में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना है। अगले दो तीन दिनों तक अभी भी बनी हुई रहेगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर भी चल रही है। इससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के चुरू में रविवार को 1.9 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के शिमला, मनाली और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी की चादर में ढके हुए हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।